दोस्त, आज आप लोगों के लिए मैंने एक नया वीडियो लाया है। सभी गाड़ी का सेल्फ का कार्बन खराब हो जाता है बहुत दिन चलने के बाद। देखिए ये है कार्बन, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। ये है नेगेटिव वाला, ये भी खत्म हो गया। अभी इसको हम चेंज करेंगे। लेकिन दोस्त देखिए, जहाँ पर कार्बन लगता है दो स्क्रू से, ये स्क्रू एक मैंने तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? नहीं खुल रहा था, जबरदस्ती हम थोड़ा किए, ये इंपैक्ट से मारे है, टूट गया। टूट जाने का कारण क्या है? यहाँ पर ये स्क्रू वेल्डिंग हो जाता है, नेगेटिव कनेक्शन है, यहाँ पर वेल्डिंग होता है हीट का कारण। वेल्डिंग हो गया और स्क्रू खुला नहीं। ये देखिए छोटा सा एक पीस ये टूट गया है और एक पीस सही है। अभी मुझको ये आप लोग को दिखलाएंगे कितना आसानी तरीका से ये सेल मैंने सही करके गाड़ी में फिट कर दूंगा, गाड़ी भी अच्छा से चलेगा। चलिए दिखलाते हैं कैसे ये फिटिंग्स होता है। आइए दोस्तों, दोस्तों पहले हम पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगा देंगे। पहले पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहे हैं, इंसुलेटर डाल दिए। मेरा पॉजिटिव टर्मिनल सेटिंग हो गया। ये होता है इंसुलेटर, जहाँ पर कार्बन अप डाउन करेगा उसका नीचे इंसुलेटर दिया जाता है। दो इंसुलेटर हम डाल दिए हैं। ये नहीं रहने से शॉर्ट हो जाएगा, सेल घूमेगा नहीं। यहाँ पर एक जगह बना हुआ है, मैंने डाल दिया। इसके बाद ये कार्बन होल्डर मैंने डाल दिए। एक स्क्रू को मैंने तोड़ दिए है, दूसरे स्क्रू का जगह सही है। इसके बाद मुझको क्या करना है, यहाँ पर जो नेगेटिव वायर है देखिए, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे और इसका लेंथ बढ़ा लेंगे नया वाला से। कैसे करते देखते रहिए। देखिए पुराना वाला को हम यहाँ से काट लेंगे, पुराना वाला को यहाँ से काट लिए और नया वाला को मैंने यहाँ से काट लूंगा। ये देखिए, ये है नया टर्मिनल को स्क्रीन का जगह काट दिए, पुराना वाला को इतना तार हमको मिला है। इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? एक छोटा सा हॉर्न क्लिप से हम जोड़ देंगे। देखिए ये छोटा सा एक हॉर्न क्लिप है, इतना मेटेरियल मैंने काट के फेंक दूंगा, इतना लेंगे। यहाँ से ये दोनों तार जोड़ के दिखलाते हैं। देखिए दोस्त मैंने क्या किए, ये हॉर्न क्लिप का आधा हिस्सा है, इतना तोड़ लिए, ये दोनों तार को जोड़ दिए अच्छा से, नोच प्लस से दाब करके उसको जॉइंट कर दिए। इसका लेंथ हम बढ़ा लिए। क्यों? मेरा इधर वाला स्क्रू का जो पॉइंट है, अगर ये पर जो क्लिप था उसमें लगा देते तो ये शॉर्ट होता, सही जगह तक पहुँचता नहीं। इसलिए पुराना वाला से जोड़ करके हम जस्ट लंबा कर लिए। अगर आप लोगों को किसी का भी स्क्रू टूट जाएगा, डरने का बात नहीं है, यहाँ ऐसे ही आप लंबा कर लीजिए नेगेटिव वाला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त नेगेटिव वाला मैंने स्क्रीन कर दिए, इधर वाला टूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
हम दूसरे स्क्रूइंग पॉइंट में नेगेटिव वाला को लेंथ बढ़ा करके ज्वाइन कर लिए, पॉजिटिव वाला है यहाँ पर। अभी हम बाकी फिटिंग्स करेंगे, पहले स्प्रिंग लोड देंगे, उसके बाद ये जो आर्मेचर है आर्मेचर बैठा करके दिखाएंगे। देखिए दोस्त, मैंने दो कार्बन स्प्रिंग डाल करके कार्बन को बैठाए और क्रोकोडाइल फेस से उसको दाब के रखे। अब आसानी से आर्मेचर हम इसका ऊपर बैठा देंगे, बड़ी इजी है, देखते रहिए। देखिए दोस्त, कार्बन में सेटिंग हो गया है, ठीक है। अब हम बाकी रीअसेंबल करेंगे। देखिए दोस्त, ये मैग्नेट जो पोजीशन है, यहाँ पर एक छोटा सा कटिंग एंगल है, ये कटिंग एंगल कार्बन का तरफ जाएगा। उल्टा अगर लगा देंगे तो मोटर उल्टा घूमेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कटिंग मार्क है जो जाएगा, यहाँ पर जो नॉच है नॉच के ऊपर बैठेगा। देखिए हम बैठा देते हैं, देखिए कटिंग एंगल यहाँ पर इसके ऊपर बैठ गया, ये हो गया फिटिंग्स। इसके बाद मुझको ये फिटिंग्स देना है। हाँ, यहाँ पर जो गैप है ये पोजीशन वहाँ पर जाएगा, जहाँ से स्क्रू इस पार्ट से उस पार जा करके वो टाइट होगा। ये हो गया फिटिंग्स। दोनों पहले बैठा लेना है, पूरा टाइट नहीं किए मैंने, इसको भी बैठा लेंगे। दोनों बैठ गया, इसके बाद टाइट करना है। कंप्लीट असेंबल हो गया। और ये देखिए, ये आइटम जिसका कारण हमको कुछ मॉडिफाई करना पड़ा, एक हॉर्न क्लिप, एक कार्बन का ये जो ओरिजिनल था इसको काट करके पुराना वाला से जोड़ लिए, ये सब मेरा स्क्रैप मटेरियल्स हो गया और ये फिटिंग्स हो गया। अभी आपको दिखलाएंगे मैंने करंट डाल करके ये ओके हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। मेरा मशीन ओके हो गया, ये देखिए घूम रहा है, ठीक है। कार्बन स्क्रू टूट जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे बनाते रहिए। थैंक यू दोस्त, फिर अगला वीडियो आएगा, देखते रहिए। ओके बाय।